नोटबंदी पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। नोटबंदी का फैसला फौरन नहीं, सोच समझ कर किया। एससी ने केंद्र और आरबीआई से मांगा हलफनामा। शीर्ष अदालत में 9 अहम सवालों पर हो रही है सुनवाई। साल 2016 का 8 नवंबर का दिन तो आपको याद ही होगा, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने टीवी पर अचानक आकर नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। मोदी सरकार के 2016 में किए गए नोटबंदी के फैसले पर संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए नोटबंदी को सही बताया है और फैसला कानून सम्मत कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को सही ठहराते हुए कहा कि नोटबंदी आर्थिक नीतियों का हिस्सा थी। सरकार ने इसके आगे कहा कि नोटबंदी नकली करेंसी, आतंकी फंडिंग, कालाधन और कर चोरी पर लगाम लगाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा थी, लेकिन ये सिर्फ इसी तक सीमित नहीं थी। नोटबंदी आर्थिक नीतियों के तहत लिया गया निर्णय था, जो कि संसद में बने आरबीआई कानून 1934 के प्राविधानों के मुताबिक था। नोटबंदी एक सोच समझ कर लिया गया फैसला था। केंद्र सरकार ने ये बात नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बकायदा लिखित में की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। मामले में अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को प्रस्तावित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने यह हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा कि देश में आर्थिक नीतियों और घटनाओं के जरिए महत्वपूर्ण सुधार चल रहे हैं। नोटबंदी इस सीरीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आर्थिक सुधार की नीति का उद्देश्य औपचारिक इकोनॉमी को मजबूती देना और बड़ी औपचारिक इकोनॉमी को औपचारिक इकोनॉमी का हिस्सा बनाकर लाभ प्राप्त करना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम की नोटबंदी के खिलाफ दाखिल याचिका पर तगड़ी बहस की थी, जिसके बाद सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। पी चिदंबरम ने दलील दी थी कि केंद्र का आरबीआई को इस बारे में लिखे लेटर, आरबीआई की सिफारिश आदि के से संबंधित दस्तावेज मांगे जाएं। साथ ही कहा था कि आरबीआई एक्ट के तहत केंद्र सरकार को पूरे करेंसी नोट रद्द करने का अधिकार नहीं है। इस दलील के मद्देनजर हलफनामा मांगा गया था। वहीं दाखिल हलफनामा में केंद्र सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि आरबीआई का गठन बैंक नोट के इशू को रेगुलेट करने और रिजर्व बनाए रखने की दृष्टि से किया गया है, ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनी रहे और ये सामान्य तौर पर करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करता है। इस कानून में करेंसी प्रबंधन में केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच परामर्श की अप्रोच की बात की गई है। इसमें करेंसी मैनेजमेंट, डिमोनेटाइजेशन, वैल्यू ऑफ द बैंक्स नोट और नोट की डिजाइन और नोटबंदी धारा 26 शामिल है। आरबीआई कानून की धारा 26(2) केंद्र सरकार को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की संस्तुति पर किसी भी नोट को बंद करने की शक्ति देती है। सरकार ने कहा कि इसीलिए नोटबंदी कानून से प्राप्त शक्तियों और प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है। इसे संसद ने नोटबंदी का कानून 2017 को पारित करके सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। ऐसे में अधिसूचना को दी गई चुनौती का कोई मतलब नहीं रह गया है। सरकार ने कहा कि नोटबंदी एक सोच समझ कर लिया गया फैसला था, इसके लिए आरबीआई के साथ काफी परामर्श और तैयारी भी की गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।